नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है भारत न्यूज। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पूछता है भारत न्यूज चैनल। चित्रकूट मार्ग स्थित पेट्रोल पंप में मचा बवाल। पेट्रोल पंप संचालक द्वारा ग्राहक को नकली नोट थमाए जाने के बाद लोगों में बड़ा आक्रोश। मैहर जनपद पंचायत सभागार में पीएम आवास योजना की हुई समीक्षा बैठक। 15 दिन में पीएम आवास योजना कार्य संपूर्ण करने के दिए निर्देश। सतना फायर अधिकारी द्वारा नगर निगम आयुक्त को फायर उपकरण खरीदने हेतु रिमाइंडर देने पर निगम आयुक्त ने फायर अधिकारी को किया निलंबित। सतना सरकारी अस्पताल के पीछे पुष्पराज कॉलोनी में खुले में फेंका जा रहा है अस्पताल का कचरा। बीमारियों का दिया जा रहा है न्योता, प्रशासन है बेखबर। धारकुंडी क्षेत्र में महिला अपराध से सुरक्षा और सम्मान के लिए संचालित प्रदेश व्यापी जन जागरूकता अभियान के तहत किया गया साइकिल रैली का आयोजन। वेलकम टू राजविला। चलिए हम राजविला घूम के आते हैं। ये है हमारे राजविला की शानदार गैलरी। डिड यू सी दैट? एवरीथिंग इज मैन। हमारे पास बहुत बड़ा गार्डन है, बड़ा एरिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में की चर्चा। सतना कोलगवा थाने के बाईपास आरटीओ के सामने बोलेरो की टक्कर से एक्टिवा सवार युवक की हुई मौत। मैहर SDOP हिमाली सोनी ने महिला सशक्तिकरण एवं जागरूकता अभियान के तहत महाराजा नगर देवी जी के क्षेत्र में महिलाओं को किया जागरूक। सतना कलेक्टर अजय कटेसरिया जी और निगम आयुक्त अमनवीर सिंह ने रामपुर बगेलान बाईपास का किया निरीक्षण। समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश। कोठी क्षेत्र के गुप्ता कॉलोनी स्थित कच्चे मकान में लगी आग। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां। कोई जनहानि नहीं होने की खबर। देखते रहिए पूछता है भारत न्यूज चैनल और पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब का ऑप्शन प्रेस करना ना भूलें।